मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है, थोड़ी परेशानी भी होती है कि आखिर आप उस दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव आप लड़े, आपकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानियां हुई, और आज मतलब किसी भी दल का एक संक्रमण काल होता है जब थोड़ा ऊंच नीच चलता रहता है, पार्टी के समक्ष चैलेंजेज होते हैं, वो क्षण परीक्षा का भी होता है। वो क्षण ऐसा नहीं होता है कि आप डिजर्ट कर जाएं। जाहिर है उनके उनकी चॉइस है, उन्होंने बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, तो थोड़ा परेशानी देती हैं कि क्या हम जब कोई भी उत्थान 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 की ओर रहे तभी हम उसके सहयात्री रहें, और थोड़ी ढलान में राजनीति अगर उस दल की आ गई तो हम सबसे पहले छोड़ दें। मुझे समहाउ मैं कंफर्टेबल नहीं है हूँ इस तरह के आइडिया। लेकिन सर टीएमसी ये दावा करती रही, टीएमसी के गवर्नेंस मॉडल के कारण जनता ने उन्हें चुना, तो टीएमसी को फिर दूसरे दल के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, टीएमसी आज उनके यहाँ फिर एक कोई शामिल हुए तो वो ये कह रही है, लेकिन मुझे लगता है ना कि हमारी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो आने वाले दिनों में जिससे कि जो भी हम विपक्ष की एकता की बात करते हैं और उसका ताना बाना मजबूत करना है, उसकी जो कहते हैं ना कबीर के शब्दों में, तानी और भरनी दोनों मजबूत करना है, उसमें इस तरह की चीज़ों से चोट पहुंचती है, आघात सा लगता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत असहज होता हूं जब कोई पार्टी का जो कोई व्यक्ति चेहरा हो उस राज्य में और अचानक वो अपना रास्ता बदल दे। एक तरफ सर फिर कोविड जो है दिल्ली में भी आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस बीच जो कोविड में मौत का आंकड़ा आया है सामने 40 लाख के आसपास, ये दोनों चीज कैसे आपस में? देखिए मैं समझता हूं ना कि मौत को लेकर के पहले भी हमने सदन के अंदर भी कहा था, ऐसी कोई चीज नहीं है वो 40 लाख है कि 39 लाख है कि 38 लाख है। बाहर में विश्लेषण का कुछ तरीका एक है जिसके आधार पर विश्लेषण होता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले में बहुत साफ सुथरे ढंग से सामने आना चाहिए, और अगर कोई खास दिक्कत हो तो अभी आगामी जनगणना में आप एक कॉलम अलग से जोड़ देना, कहें लोगों को कि वो बताएं कि उनके परिवार में किसकी कोविड से डेथ हुई, क्योंकि मैं कई केसेस ऐसे जानता हूं जिनकी मौत कोविड से हुई है लेकिन उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोविड का जिक्र नहीं है। हम कैसे भूल सकते हैं गंगा और सरयू में तैरती हुई लाशों को जो शायद किसी आंकड़े में शुमार नहीं है। ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए, और इस पर पर्दा डाल करके ना जाने क्या हम क्या हासिल कर लेंगे। तो आप ये मांग उठा रहे हैं कि परिवार ही जनगणना में क्वेश्चनायर ऐड करके कि वो बताए कि उनके परिवार नहीं परिवार मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि किसी व्यक्ति के जाने का माँ बहन बेटा बाप वो परिवार पे असर रहता है। वो हो सकता है मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर ना काटे, लेकिन अगर जनगणना में ये कॉलम होगा तो वो बताएंगे अपनी बात। और मैं नहीं समझता हूं कि आंकड़े से किसी को भी परेशानी होनी चाहिए। अगर 40 लाख का भी आंकड़ा हमारे लोग मारे गए ना, उनकी मौत को एक डिग्निफाइड क्लोजर होगा, हम उससे क्यों इनकार करते हैं चाहे किसी की सरकार हो, केंद्र राज्य। मैं समझता हूं कि इस मामले में पारदर्शी तरीके से बात होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी एक बार फिर जहांगीर है, हालांकि केस अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुके हैं, भाजपा सांसद का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके तहत ये हुआ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, राष्ट्रीय साजिश है, राजकीय साजिश है, इस सब में जाते गए बगैर क्या वजह है कि बीते कई महीनों में ज़्यादातर हम एक पैटर्न सा देख रहे हैं, आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं ना, क्या हमने कल्पना की है इस 75वें वर्ष में गीत गाए जा रहे हैं, जनगण मन और भी शिद्दत से गाया जा रहा है, और साथ में ये छवियां हो रही हैं, लोग अपने को महफूज नहीं पाते हैं। क्या इससे पहले रामनवमी नहीं होती थी? क्या इससे पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? हम क्या बना रहे हैं इस देश को, खंड खंड कर रहे हैं इसकी सोच को, इसकी चिंतन को, इसके ताने बाने को। मैं तो आग्रह करूंगा कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी की ओर से एक सख्त संदेश जाए तमाम वैसे लोगों को जो इस समाज के इस राष्ट्र के ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं, प्रतिदिन कभी इस बिला पे कभी उस बिला पे कभी ए मुद्दे पे कभी बी मुद्दे पे हम चैन से रह ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने मौलिक चीजों पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हिंसा तो सर भारत भर में है, संजय राउत हिंसा जो है पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रायोजित है, और उन्हीं के शासकीय राज्य में मनसे प्रमुख राज ठाकरे कहते हैं कि इस्लाम कानून से बड़ा नहीं। देखिए मैं तो सीधे कहूंगा कि ये राज ठाकरे जी तो अपनी रेलिवेंस तलाश रहे हैं, और रेलिवेंस तलाशने में आदमी अक्सर बैठ के भाषण करता है,
किसकी साजिश है, क्या है, जांच की एजेंसियां हैं ना, उन्हें बस निष्पक्ष काम करने दिया जाए, उनको दिशा ना दी जाए, उनको ये ना बताया जाए कि कंक्लूजन ये ड्रॉ करना है। मैं सिर्फ इस बात से चिंतित हूं कि 75वां वर्ष मना रहे हैं अपनी आजादी का, जो जिन महापुरुषों ने, जिन नेताओं ने, जिन आम लोगों ने आजादी दिलाई ना, वो जहां कहीं होंगे ना, हमारी ये छवियां देख करके वो बेचैन हो रहे होंगे, क्या बनना था इस मुल्क को और क्या बन रहा है ये देश, ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आज जिनको दो चार वोट बढ़ जाते हैं, टेलीविजन डिबेट में वो तालियां बजवाते हैं, उन्हें भी यह स्मरण रखना होगा कि पड़ोस में कुछ मुल्कों की हालत हमने देखी, हम वैसे ही खोखले ना हो जाए, ठूंठ बन के ना रह जाए। लेकिन बोर्ड और नेता से इधर विवेक अग्निहोत्री सानों ने कहा कि दिल्ली फाइल्स फिल्म आपको तमिलनाडु के बारे में भी बहुत कुछ बताएगी, इतिहास के साथ से छेड़छाड़ किया गया, हिंदू सभ्यता को हमेशा नजरअंदाज किया गया, वेस्टर्न एंगल से देखा गया। इस पूरी विवेक जी फिल्मकार हैं, अब इतिहासकार बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका पेशा, उनका शौक शगल मुबारक। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, कोई भी व्यक्ति जब कुछ लिखता है या फिल्म बनाता है, जो आर्ट का एक्सप्रेशन है, उसकी कोशिश होनी चाहिए घाव भरने की, नए घाव पैदा करने की नहीं, घाव पे तेजाब छिड़कने की नहीं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। रिकंसिलिएशन चाहिए इस मुल्क को, हीलिंग चाहिए, चाहे दिल्ली हो, कश्मीर हो, गुजरात हो, नेल्ली हो, हीलिंग चाहिए। क्या आपकी लेखनी, आपकी फिल्म हीलिंग दे रही है? पैमाना ये होना चाहिए और कोई पैमाना नहीं। बट वो तो कहते हैं सच दिखाना चाहता हूं। नहीं, अगर आपका सच, एक संस्कृत का श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, मैं उनको यह स्मरण कराना चाहूंगा, जिस तरह के सच की आप बात करते हैं ना, उस सच के तथ्य के बहुत सारे लेयर, कौन सा लेयर लेते हैं, कौन सा लेयर छोड़ते हैं, मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ, विवेक अग्निहोत्री जी के विवेक पे छोड़ता हूँ, लेकिन अंततः सबसे बड़ा विवेक है कि आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या इस मुल्क को जो हीलिंग की जरूरत है वो पहुंचा पा रहा है या नहीं। सर, अब मुंबई में गैर भाजपाई बैठक होगी राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए, बीते दिनों 10 जनपद हो चुका है, और जो गैर मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं, क्या आपके दल को भी नहीं होता है? देखिए, जाहिर है कि हमारे दल के मुख्यमंत्री नहीं है, अगर मुख्यमंत्री पैमाना है उनका गैर भाजपाई का, तो जाहिर तौर पर हम नहीं है, लेकिन अगर एक सशक्त विपक्ष को आप आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आपके पास बिहार में तो हमसे बड़ा ताकतवर कोई भी सिंगल पार्टी नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए, और इस तरह की बैठकों की आवश्यकता है, क्योंकि बीते दिनों में चाहे संसद से पास कानून हो या सरकार की जो एक एक नीति सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की आत्मा को चोटिल किया जा रहा है, तो जाहिर है प्रतिकार के लिए तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी दलों को एक साथ आकर के एक संदेश तो देना होगा। लेकिन जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होता है, भाजपा मुख्यमंत्री छूट जाते हैं, बैठक जो हो रही है वो गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों की हो रही है, तो तालमेल नहीं? नहीं, देखिए अलग अलग चीजें हैं, दल और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये दो अलग अलग इकाई है, ये स्वायत्त इकाइयां हैं, दोनों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और कई दफा क्या होता है ना कि अलग अलग प्रयास बाद में चल करके सायास ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।